सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार CHS तो एडमिट कार्ड जारी। देखिए कैसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड, जानिए एग्जाम कब से है ऑफिशियल नोटिस जारी। तो दोस्तों अभी अभी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, जो CHSO का एग्जाम कब है और एडमिट कार्ड कब से आपको रिलीज किया जाएगा। तो इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के ऑफिशियल साइट पे चलती है और CHSO का जो एग्जाम के रिगार्डिंग और एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस आई है, नोटिस डाउनलोड करके बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 07/2024 विज्ञापन संख्या दिया हुआ, देख सकते हैं कि अंतर्गत विज्ञापित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHSO के अभ्यर्थियों का ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT दिनांक 1/12/2024 रविवार एवं 2/12/2024 सोमवार को पटना जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित किया जाएगा। इस हेतु प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड दिनांक 29/11/2024 शुक्रवार से राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत वेबसाइट https://sshs.bihar.gov.in/ पर उपलब्ध ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पे लॉगिन करके डाउनलोड एवं प्रिंट कर व्यवहार में लाया जा सकता है। प्रवेश पत्र के साथ प्रकाशित अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश में उल्लेखित निर्देशों का अनुपालन करना अभ्यर्थियों की स्वयं की जिम्मेवारी होगी। प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने या प्रिंट नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से यथाशीघ्र इसकी सूचना ईमेल आईडी, देख लीजिए यहाँ पर ईमेल आईडी भी दिया गया है, आप ईमेल आईडी पर आप जो है ईमेल आईडी पर दिनांक 30/11/2024 शनिवार के संध्या 5 बजे तक देंगे। उक्त विज्ञापन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सूचना समिति के वेबसाइट पर देखी जा सकती है। उप सचिव प्रभारी मानव संसाधन, ठीक है। तो दोस्तों अगर जिसका भी एडमिट कार्ड मान लीजिए डाउनलोड नहीं हो पा रहा है CHSO का, तो ये देख लीजिए ईमेल दिया हुआ है, इस मेल पे आपको जो है मेल करना है, मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, कारण भी आपको बताना है, ठीक है। ये कब, आज अगर नहीं हो पाता है तो कल आपको ये कारण बताना है, नहीं कारण बताइएगा तो फिर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। सोचिए 21 दिन ऑनलाइन आवेदन का समय दिया, 1 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक, और देखिए एग्जाम आपको जो है समय दिया, मतलब 1 सप्ताह भी अभी नहीं हुआ है, 21 को आवेदन समाप्त हुई है, आज 29 है, यानी 1 सप्ताह हुआ है, मानिए 1 सप्ताह हुआ है, और 1 सप्ताह के अंदर मान लीजिए जो है एग्जाम भी ले रहा है, ठीक है। एग्जाम आपको 1 और 2 का एग्जाम होगा, हम बार बार कह रहे हैं आप लोग को पढ़ने के लिए, सभी को हम कह रहे हैं पढ़ने के लिए, बाबू नहीं पढ़िएगा तो यही स्थिति सबका होगा, क्योंकि सरकार का भी प्राथमिकता है जल्द से जल्द जो है बहाली निकालना और उसको क्लियर करना। अब सोचिए जो CHSO वाले स्टूडेंट है उसको कितना समय मिला तैयारी करने का, आप ही लोग बताइए कितना समय मिला, ठीक है। जो 1 नवंबर से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ और ठीक है 21 नवंबर तक फॉर्म ऑनलाइन आवेदन हुआ, उसके बाद 1 सप्ताह में देखिए सबका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है और अभी एग्जाम ले रहा है, 1 सप्ताह के अंदर ही ये काम हुआ। तो इसीलिए बार बार कर रहे हैं जो भी हमारे स्टूडेंट है सभी लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप सोचिएगा वैकेंसी आएगा, ठीक है, फॉर्म फिलअप करेंगे तब पढ़ेंगे, वो कहानी अब समाप्त है, ठीक है। तो सभी लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, और जिसका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है वो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, जो मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, फिर हम आपको बता देंगे। थैंक यू।